तो यहाँ पर ये मैच चल रहा है निजामपुर और भैंसवाल, एक ही टीमों का। इनका जो फाइनल स्कोर है दोनों हाफ का टाई हुआ है, तो सुपर तो अब दोनों ही टीमें पांच पांच रेड करेंगी। तो जो पांच टीमों में ज्यादा पॉइंट लेगी वो टीम जीतेगी। सुपर फाइव रेड अब शुरू होने वाली है अब से थोड़ी देर में, और एक समय 10 पॉइंट की लीड थी निजामपुर की, लेकिन बहुत अच्छा खेल दिखाया भैंसवाल टीम ए ने, तो वापसी करी 10 पॉइंट कवर किए और आखिरी में टाई पर लाकर खत्म किया स्कोर को। तो सुपर रेड शुरू होने वाली है, तो सुपर रेड शुरू होने वाली है। दोनों तरफ से पांच पांच रेड की जाएंगी, जो ज्यादा पॉइंट लेगी टीम वो विजेता घोषित की जाएगी। इधर ये दूसरा क्वार्टर प्री क्वार्टर फाइनल मैच शुरू हो गया है, तब तक इसे दिखाते हैं। रेडर आउट हुए, पॉइंट मिला। इस तरफ ये सुपर पांच रेड शुरू हो गई हैं, 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी गए हैं भैंसवाल टीम ए की तरफ से रेड पर। रेडर से आउट हुए हैं 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, पॉइंट मिला। भैंसवाल टीम ए को मोहित की रेड निजामपुर के लिए। आउट हुए 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, पॉइंट मिला निजामपुर को। नितिन की रेड भैंसवाल टीम ए के लिए। आउट हुए हैं 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, उन्होंने रेड पर जा रहे हैं 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी ध्रुव है की रेड निजामपुर के लिए। कैच करना चाहते थे राइट कॉर्नर, आउट हुए, रेडर ने खुद को सेव किया, पॉइंट मिला एक और भैंसवाल टीम ए को। लक्ष्य की रेड भैंसवाल टीम ए के लिए। आउट हुए 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, पॉइंट मिला एक और भैंसवाल टीम को। निजामपुर के लिए हिमांशु की रेड निजामपुर के लिए। बहुत अच्छा कैच किया, बहुत अच्छी पकड़, आउट हुए हिमांशु, पॉइंट मिला एक और भैंस वाले टीम को। सुमित की रेड भैंस वाले टीम के लिए, 4 नंबर की जर्सी में सुमित।
बहुत बढ़िया पकड़, आउट हुए सुमित, पॉइंट मिला एक और निजामपुर को। सुमित की रेड निजामपुर के लिए। चार नंबर की जर्सी में है सुमित, निजामपुर के लिए रेड पर हैं। और बहुत बढ़िया बोनस पॉइंट लिया है, बोनस पॉइंट लिया है सुमित ने भैंस वाले टीम के लिए। ग्रीन कार्ड दिखाया एम्पायर ने। सागर की रेड है अब भैंसवाल सी टीम ए टीम के लिए। रेडर आउट, एक पॉइंट और मिला निजामपुर को। तो इसी के साथ ये मैच जीत लिया है निजामपुर ने।